गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्टेड क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी। जो आगे हमने ए तक सीखा था ना हिंदी में, तो आज हम इसमें सीखेंगे ओ। ओ क्या होता है ये हम सीखेंगे आज। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पढ़ो और रंग भरो रीड एंड कलर। तो चलो ओ प्लस और रेफ दो ओ साइड में क्या है लाइन, तो इक्वल्स टू ओ। औ वहाँ आगे हमने ओ सीखा था और अब है ये औ। तो चलो ओ से ओ र त, तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे ओ र त। चलो इसमें आपको क्या करना है, कलर करना है। आपको जो भी पसंद हो आपको कलर करना है। ओ को औरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वुमेन। क्या कहते हैं, वुमेन। फिर औषध, ओ का दूसरा शब्द भी क्या है, औषध। औरत भी होता है, औषध भी होता है। फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेडिसिन। जो हम दवा लेते हैं वो तो औषध, हिंदी में दवा क्यों औषध कहते हैं और इंग्लिश में मेडिसिन। तो चलो पढ़ो और लिखो। तो अब आपको ए पढ़ना है फिर लिखना है। चलो ओ ओ ओ, फिर इसमें भी है ओ। अब तो आपको आ गया होगा ओ कैसे होता है। चलो इस तरह से आपको ये ओ सभी लिख लेने हैं और अपनी प्रवेशिका बुक पर पढ़ना भी है। ओके ओ व क्या कहते हैं, ओ औ औ औ औ। औषे औरत और औषध, और औरत को वुमन कहते हैं इसमें, और औषध को मेडिसिन। और इसमें आपको कलर करना है और यहाँ पे ओ क्या है ओ। फिर पढ़ो लिखो रीड एंड राइट। कौ के ऊपर दो रेफ करेंगे और साइड में करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौ। तो ओ आए ना, हाँ जिस तरह से कौ, खो, गो, घो, चो, छो, झो, झो, टो, ठो, डो, ढोई, होड़ई, तोई, थोई, दोई, धोई, नोई, पोई, फोई, बोई, भोई, मोई, योई, रोई, लोई, वोई, शो, शो, शव, हो, श्रो, द्रो, त्रो और श्रो। चलो इस तरह से मैंने आपको सब रीड करके दिया, पढ़ा। आपको इस तरह से पढ़ना है और यहाँ पे देखो इस तरह से लिखना है, एक कौ, फिर एक खौ, फिर क्या है, गौ, फिर घौ, फिर चो, फिर छो, फिर झो, जो, टो, ठो, डो, ढो। फिर यहाँ पे इस तरह से लिखना है, एक गौ, एक खो, एक गौ, एक घो, चो, छो, झो, जो, टो, ठो, डो और ढो। चलो इस तरह से आपको ये दोनों लाइन कंप्लीट करनी है और सीखनी है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पढ़ो सीखो और लिखो रीड लर्न एंड राइट। एक कौन, गौरी और मौसम, गौर, मौसी, फौरन और कौशिक। अब इसको आपको क्या करना है, इस तरह से पहले लिख लेना है कौन, और यहाँ पे लिख देंगे कौन, फिर गौरी, गौरी और मौसम, चलो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। लिखा मैंने वो इस तरह से आपको यहाँ पे भी लिखना है और कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, उससे शुरू होने वाले शब्दों को राइट करो।
चलो ओ से शुरू होने वाले शब्दों को हमें ऐड करना है। देखो ओ से औरत, औषत, सॉरी औषत वो है ना, फिर कोर में नहीं है औषत। देखिए यहाँ पे तो आपको दिया है फोरन में भी ओ नहीं है, इसमें हमें नहीं करना है। मोर में भी ओ नहीं है, फिर ओ को तीर की दिशा में बढ़कर शब्द बनाओ। और देखो ए वो और ऐसे थ्री लेटर्स को ज्वाइंट करके हमें एक क्या बनाना है, वर्ड्स बनाना है। औरत, औषध, और औषत, औषत, औजार, फिर औलाद, औलाद। चलो इस तरह से आपको भी ये कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्या है, चित्र पहचान करनी थी, उसका नाम लिखिए। चलो ये क्या है, खिलौना। तो यहाँ पे देखो खिलौना, फिर ये क्या है कौआ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कौआ। फिर ये क्या है नौका, नौका। ये क्या है हथौड़ा, हथौड़ा। देखो हमने सभी में इस तरह से नाम लिख दिया, हथौड़ा, नौका, कौआ और खिलौना। ये सबको आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में ढूंढ कर लिख लेना है। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलो चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। चलो क्या है, कौन है नौकर, नौकर। तो पहले नौ और क, नौकर। ओझार, ओ का ओ, ओझार। चलो चित्र पहचान कर क्या करना था, कोष्टक भरना था, नौकर और ये ओझार। फिर ये क्या है खिलौना, खिलौना। एक कौन है बोना, मतलब छोटा वाला होता है ना वो, जो उसको कहते हैं पठिया को हिंदी में बोना, बोना। फिर नौका, फिर चौका, पटली को क्या कहते हैं हिंदी में, चौका। फिर यहाँ पे छूटा हुआ अक्षर लिखो। चलो इसमें से जो भी अक्षर ना हो यहाँ पे लिखना है, और थोड़ा थो नहीं है थो, फौजी का फो, फोरन का फो नहीं है, लौटना का लो नहीं है, दौड़ना का दो नहीं है, कोआ का को नहीं है, औरत का ओ, मौलवी का मो। चलो इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक पर लिखता जाना है, वर्ड्स बोलना है, फिर कोष्टक में से शब्द चुनकर खाली जगह पर। चलो रमेश खाली जगह पकड़, क्या है ये, देखो 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 क्या है, सरोता। वेरी गुड, सरोता ये वाला जो सुपारी कटने में आता है ना उसको क्या कहते हैं, सरोता। रमेश सरोता पकड़, मीना चौका लाती है, पटली लाती है ना वो पाटली वाली चौका, मौसी पौधा लगाओ, पौधा। चलो इस तरह से आपको भी ये कंप्लीट कर लेनी है खाली जगह, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, वाक्य पढ़ो और लिखो, रीड द सेंटेंस एंड राइट। चलो मौसम बड़ा सुहाना है, गौतम गाना गाता है, नौकर काम करता है, गोरी घर लौट रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले मौसम बड़ा सुहाना है, फिर गौतम गाना गाता है, गौतम गाना गाता है, फिर नौकर काम करता है, नौकर काम करता है, गौरी घर लौट रही है, गौरी घर लौट रही है।
चलो इस तरह से आपको भी ये कंप्लीट करना है जो आगे मैंने जो भी क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा है ना ओ वाले ये सब इस वर्ड्स, तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन का बुक पर कंप्लीट करना है और सब सीखना है और ये सब पढ़ना है। ओके थैंक यू।